हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 7:45 हैं, ये देखिए ड्यूटी की ओर निकल गए हैं। रात में तो इतना ज़बरदस्त बादल, बिजली कड़का और बारिश हुआ है हद से ज़्यादा। अभी इधर मौसम बहुत सुहाना है, रात में बहुत ज़बरदस्त बारिश हुआ है और बिजली जो कड़का है, अरे बाप रे, रूम में भी रह के डर लग रहा था। बताइए, कुछ लोग अगर बाहर हो गए तो उनके साथ क्या हुआ होगा। चलिए, ऊपर वाला का सबके साथ कृपा है, किसी को कुछ नहीं होगा। ये देखिए गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं, यहाँ देखिए क्या मीटिंग चल रहा है। ए, तुम अभी तक गए नहीं, जाओ ना। जय श्री राम। निकलो, कल जाने के लिए परेशान था, अभी भगा रहे हैं, जा नहीं रहा। इसको घर जाना है और झूठ मूठ जा नहीं रहा। चौरसिया जी जूता पहन रहे हैं, मेरा चीता। चलिए यहाँ से निकलते हैं। देखिए, फिर से इसमें साफ करके धनिया रोपा गया है, एकदम छोटा छोटा सा निकल गया है। मस्त मौसम है, सुहाना। चलिए ठीक है, निकलते हैं ड्यूटी और फिर मिलते हैं। ये देखिए सेब रखे हुए हैं, एक सेब खाएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे। और रात के डिनर में पनीर बनाने जा रहे हैं। ये देखिए पनीर का मसाला, ये सब कटा हुआ है पनीर, ये सब। ये देखिए अभी तेल डाले हैं, तेल गर्म हो गया है। अब इसमें पनीर को फ्राई करते हैं। फिर पनीर डाल दिए हैं, ये पनीर लोकल पनीर है, यहाँ पे आते हैं बेचने के लिए, घर से बनाते हैं पनीर, वही है। बहुत मज़ा आता है खाने में, टेस्टी पनीर है। पनीर को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, पनीर ब्राउन हो गया, अब इसको निकाल लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। इसको निकाल लेते हैं तेल लती करके, थोड़ा थोड़ा करके। तलने के बाद जो तेल बचा, उसी में ये हल्का जीरा डालेंगे, कुछ खड़ा लहसुन, इसे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आता है। इधर ये हरा कटा मिर्च डालेंगे। हम लोग बाहर रह के पढ़ते थे, इसी टाइप से बनाते थे, आपको देखने के लिए मिलेगा कि स्टूडेंट कैसे खाना बना के खाते हैं। इसमें 2 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च, इसे सुनहापन बहुत मस्त आएगा, अच्छा खुशबू आएगा। जब बाहर में रहते थे तब खाना बनाना सीखे। अब इसको अच्छी तरह से जल जाने के बाद कटा हुआ प्याज डाल देंगे। ये देखिए कटा हुआ प्याज, प्याज को एकदम अच्छी तरीके से गलाएंगे और ब्राउन होने तक इसको भूंजेंगे। अब इधर ये देखिए गिलास में लहसुन और अदरक डाले हैं, जिसे रोटी बनाते हैं क्रश कर। ये देखिए, पहले हम लोग ऐसे ही करते थे, मिक्सी है मगर लाइट कटा हुआ है, इधर लाइट ज़्यादा कट रहा है, फिर बाहर में बारिश हो रहा है, इसलिए मिक्सी इन्वर्टर ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, नहीं तो लाइट भी नहीं जल पाएगा। इसलिए इसको इसी तरह से क्रश कर लेते हैं और फिर इसको डालेंगे। इसको बेलना से पूरा चूर लिए हैं, ये कटा टमाटर तो बाद में डालेंगे। और ये देखिए प्याज एकदम मस्त तरीके से फ्राई हो रहा है, इसको अच्छी तरीके से ब्राउन और गला लेते हैं। ये ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है फ्रेंड, प्याज में थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसे जल्दी से आराम से गलेगा। और थोड़ा इसको ढक ढक के पकाएंगे। को पकाएंगे तो एकदम जल्दी से आराम से हो जाएगा। इसको थोड़ा सा गैस को कम कर लेंगे। प्याज एकदम अच्छी तरीके से ब्राउन भी हो गया है और गल गया है। ये देखिए, अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे।
अब इसको दो तीन मिनट फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद हल्दी डालेंगे। एकदम मस्त वाला स्टूडेंट स्टाइल से एकदम बना रहे हैं। हम लोग बाहर में रहते थे, पढ़ते थे, तो इसी टाइप से बनाते थे पनीर। लहसुन अदरक फ्राई करने के बाद 2 मिनट बाद अब हल्दी डाल दिए। ये देखिए अब हल्दी के बाद धनिया पाउडर थोड़ा सा और हल्का डालेंगे। ये हो गया धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद ये गोलकी पाउडर। अभी सब मसाला को थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे, उसके बाद और गरम मसाला और पनीर मसाला डालेंगे। फ्राई करने के बाद ये देखिए फ्रेंड पनीर मसाला, बस मस्त हो गया। मसाला के बाद ये देखिए गरम मसाला हल्का, ज़्यादा है भी नहीं, ख़त्म हो गया। बस अब सब मसाला भर गया। अब इसको मसाला को आराम से 5 से 8 मिनट तक पूरा अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। हाँ अब ये एकदम खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। अभी और थोड़ा इसको फ्राई कर लेते हैं। एकदम अच्छे तरीके से थोड़ा सा फ्राई हो गया है और बाकी है टमाटर डालना रह गया था, टमाटर डाले हैं। फ्रेंड नमक तो स्टार्टिंग में डाले थे प्याज गलाने के लिए, और थोड़ा सा हल्का नमक, बस हो गया सारा कुछ हो गया। अब मसाला को थोड़ा देर और फ्राई करते हैं, टमाटर गला लेते हैं, उसके बाद पनीर डालेंगे। फ्रेंड पनीर भी डाल दिए हैं, पनीर के साथ मसाला को थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं। पानी नहीं डालेंगे क्योंकि रोटी के साथ खाना है। ये देखिए एकदम कलर है, खुशबू तो इतना ज़बरदस्त आ रहा है ना। हाँ हाँ, बस इसी तरह बना के खाते हैं। लग रहा है अभी खा ले जैसा मुँह में पानी आ रहा है। हम लोग स्टूडेंट लाइफ में, अब तो जॉब करते हैं, स्टूडेंट लाइफ में इसी तरह से एकदम पूरा बना के खाते थे, एकदम मस्त। एक दो टाइम ही खाते थे, सुबह दोपहर में और रात में बस, मगर मस्त खाते थे बना। स्टूडेंट का हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है, इसमें कोई पानी हम नहीं डाले। चलिए टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा बना है। एकदम पनीर बन गया, एकदम मस्त रेडी हो गया है। ये एकदम सूखा सूखा पनीर रोटी के साथ खाने वाला, एकदम मस्त बना है। अब इसको थाली में निकालते हैं, फिर आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना है। ये देखिए साथ में खीरा भी कंपलसरी है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसे बना। सही मैं स्टूडेंट वाला दिन याद आ गया, बहुत मस्त बना। आप देखें मतलब अच्छी तरीके से मसाला भी पक गया है, एक नंबर टेस्टी है। आहा मज़ा आ गया खा कर। इधर देखिए टीवी पे इधर इंडियन आइडल भी चल रहा, अभी तक खाना का एंजॉय कर रहे हैं। चलिए ठीक है, खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। वीडियो के साथ बने रहें।